Cause all I want is you tonight. Oh, 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 oh. Cause all I want is you tonight. ਕੀ ਚੀ ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ पहला पेपर है और सिदक को सुबह से ही दो बार वॉशरूम हो आया है। सिदक को टेंशन हो गई उसका आज पहला पेपर है तो टेंशन नहीं लेनी भाई, समझाना, ध्यान से पेपर देना है, ठीक है। SST का पेपर तुम्हारा आज, ठीक है। सारे को इसको भाई ऑल द बेस्ट, इसको करो ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। सिदक को चलो भाई, चलिए चलो, टाइम हो गया, सिदक का टाइम हो गया पौने सात। स्कूटर में पैदल चले जाए, टाइम पड़ा है, हैं स्कूटर में जाना है। चलो यार फिर स्कूटर पे चलते हैं। बैठो पीछे, तो बैग तो तुमने यहाँ टंग लिया, वो बैग को हटाता हूँ मैं। चल बैग मैंने पकड़ लिया, आराम से आराम से। सिदक का बस का स्टॉप पॉइंट है ये, तो ये बड़ा अच्छा है। यहाँ देखिए गुरुद्वारा साहब भी पास में ही है यहाँ पे, तो उसके साथ में आता हूँ, फिर यहाँ से गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी साथ में कर लेता हूँ और यहीं से मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे स्कूटर खड़ा कर दिया है और एक साइड वॉक करता हुआ पहले अपना एक डेढ़ घंटे की जो वॉक करके आऊँगा, तो उसके गुरुद्वारा साहब मत्था टेके फिर वापस यहाँ से घर की तरफ निकल जाऊँगा। तो ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस ही है वैसे तो, पर स्कूटर सिदक की जिद होती है कि स्कूटर पर चलना है, स्कूटर पर चलना है। सिदक की बस का इंतजार खत्म हो गया भाई, सिदक की बस आ गई है। सिदक ऑल द बेस्ट, ठीक से पेपर देना, ठीक है। चलो इधर से बस आ गई, इधर से बस आ गई। चलो भाई गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज दिन की शुरुआत जो हुई है, सिदक को पहले स्कूल बस के लिए वहाँ पे ड्रॉप किया है और अब अपने मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल आया हूँ। तो आज शनिवार का दिन है तो थोड़ा सा दिन हैक्टिक तो होता है, क्योंकि आज के दिन में कॉल्स वगैरह हमारी काफ़ी होती हैं। तो इस वजह से है कि सुबह मैं अपने वॉक पे निकला हुआ हूँ और अपनी मॉर्निंग वॉक करके फिर मैंने 9 बजे के करीब एग्जैक्ट जल्दी निकल आया था ऑफिस और ऑफिस की मीटिंग वगैरह से अभी ओवर हुआ हूँ। तो अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ और अभी आपको कुछ बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद आपको कुछ मैं स्पेशल कुछ ना कुछ आज दिखाने जा रहा हूँ आपको, तो आप बने रहे वीडियो में, आपको दिखाता हूँ।
रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी मतलब चंडीगढ़ के अंदर बड़ी प्यारी चीज़ दिखी है, तो मैं क्या आपके आपसे भी वो उस चीज़ को दूर नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये है गाइस। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैं कह रहा था कि कुछ आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, तो चंडीगढ़ के अंदर मैं एक नया जो कंसेप्ट है वो स्मार्ट बाइक का है। तो साइकिल तो हम लोगों ने चलाया हुआ है, और साइकिल में भी एक जो चंडीगढ़ के अंदर में इन्होंने जो कह सकते हैं एक अलग सा ही इन्होंने, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक इन्होंने स्मार्ट बाइक का साइकिलों का भी एक जो कंसेप्ट इन्होंने निकाला है काफ़ी अच्छा। ये कोई कंपनी है स्मार्ट बाइक के नाम से है जिन्होंने, ये देखिए इनके इस तरीके से ये साइकिल्स इन्होंने प्रॉपर इस तरह के स्टैंड्स बनाए हुए हैं हर मतलब चौराहे के आसपास में, और इस तरह का इनका जो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो ये आप देखोगे तो इस तरीके से स्मार्ट बाइक का है, इस तरीके का इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, और इनके ऐप के थ्रू में मतलब बार कोड यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, और किस तरीके से आपने अपने जो मोबाइल उसका ऐप है उसको कैसे आपने ऑपरेट करना है, तो कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने जो उसका ट्रैफिक का इनका जो अपना प्राइसेस के जो चार्ट है वो भी लिखा है, फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स 10 रुपीज़ है, एवरी एडिशनल 30 मिनट्स के ऊपर में 10 रुपीज़ है। और तो ये काफ़ी अच्छा है, ये मैंने एक बार पहले भी वैसे एक बार चला के देखा था, तो मैं कहा चलो आपको भी व्यूअर्स को इसके बारे में जानकारी होगी, और जो चंडीगढ़ के अंदर में जो लोग इसके बारे तो लगभग सभी लोगों को पता ही है, पर जिन्होंने राइड अभी तक ली नहीं है तो वो भी इसका एक बार नज़ारा ज़रूर लें। और ये देखिए इस तरह की कि इनकी जो साइकिल्स हैं, तो इन्होंने स्मार्ट बाइक का नाम ही इसको दिया हुआ है। तो कुछ मेरे ख्याल से ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं, पैडल से ही ऑपरेट होगा, तो ये भी मैं इसको ट्राई करके देखूँगा। इस तरीके के देखिए कुछ ये थोड़ी सी पुरानी लग रही है पर ये भी नई है, और ये देखिए बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इन्होंने यहाँ पे जो साइकिल्स ये वाली रखी हुई हैं तो काफ़ी बढ़िया है। इसका मैं भी ट्राई लेके देखता हूँ मैं, तो मैंने इसका भी जस्ट ही ये देखिए इसका ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और ये इस तरीके से लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो पहले ये दिखा देता हूँ आपको इसका जो अब यहाँ पे मैंने राइड लेनी है इसकी, तो इस तरीके से देखिए ये देखिए मैंने एंटर कर दिया। ये कह रहा है मेक श्योर यू हैव बैलेंस मिनिमम 100 बैलेंस, तो एक्चुअली मेरे इसमें बैलेंस अभी जो है 88 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें 20 रुपीज़ और चार्ज कर देता हूँ। ये मैंने इसे रिचार्ज कर लिया, मैं दोबारा इससे इसको ऐप का अपडेट करता हूँ। अब ये देखिए इसको अनलॉक करेगा, ये अभी लॉक है, ये देखिए अनलॉक हो गया, सेकंड्स में अनलॉक हो गया। अब ये राइड इसकी जो है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, अब इसकी मैं करता हूँ स्टार्ट राइड, और आपको भी दिखाता हूँ इसके नज़ारे क्या है इसके नज़ारे। तो इसको ज़रा अब जेब में डालूँ मोबाइल को, और फिर स्टार्ट करता हूँ इसकी राइड, देखते हैं ज़रा कैसी इसकी राइड बनती है। तो ये हम लोगों ने साइकिल निकाली बाहर, तो ये गाइस मैं अपने साइकिल के ऊपर बैठ गया हूँ, और आपको थोड़ा अब दिखाता हूँ इसके नज़ारे। तो ये गाइस ये है इनकी स्मार्ट बाइक साइकिल है, चलने में तो आप साइकिल की तरह ही लग
गाइस अब एक्चुअली मौसम भी चेंज हो गया, धूप भी देखिए कितनी तेज़ निकली हुई है, और साइकिल भी काफ़ी दिनों के बाद चला रहा हूँ तो नज़ारा आ रहा है पूरा। मैं भी पूरी एक गाड़ी मारी एकदम से 43 की, उसके बाद चलते हैं। और ये देखिए कुछ इधर का नज़ारा, इधर मार्केट है सारी, ये भी देखिए सारा एरिया जो चंडीगढ़ का इधर। तो ये है कुछ चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के नज़ारे, और ऐसे घूमते घूमते अब मैं इधर से वापसी अपनी करता हूँ। तो ये गाइस वापस में पहुँच गया हूँ अपने अड्डे पे, काफ़ी देर बाद साइकिल चलाई है ना, तो पूरे बॉडी में पूरी गर्मी आ गई इस समय। अब साइकिल को लगा के फिर दोबारा अब यहाँ से भी निकलते हैं। और ये बड़ा बढ़िया था, ये देखिए मैं घंटी ढूंढ रहा था किसी घंटी कहाँ है, तो ये देखिए इसकी घंटी ऐसे बजती है, ये काफ़ी हाईटेक इन्होंने सिस्टम किया हुआ है। तरीके से इसका स्टैंड लगाया जाए और फिर दोबारा से इसको लॉक कर दिया जाए, ये हो गया लॉक। अब होगी अपनी ड्यूटी ख़त्म, हमने हैंड ओवर कर दिया इनकी साइकिल और अब अपने। तो ये है गाइस ये जो इसका पूरा प्रोसेस है, तो बढ़िया चीज़ है अगर आपका साइकिल चलाने का अगर मूड करता है चंडीगढ़ के अंदर में, तो आप साइकिल इस तरीके से चला सकते हो। बाकी तो जो टाइम का है, टाइम की आज की डेट में हर बंदे को भागदौड़ लगी हुई है, और टाइम के को देखा जाए तो फिर साइकिल में टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं पे भी जाना हो कहीं पहुँचना हो, इस करके लोग फिर ज़्यादातर मोटर बाइक स्कूटर वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि सस्ते बजट में तो अब जो ओला उबर के भी जिस तरह के टू व्हीलर के भी ऑप्शंस आ चुके हैं, तो ये है कि चलो वैसे किसी ने शौकिया स्टूडेंट्स वगैरह कई बार चलाते हैं, और ये अगर साइकिल चलाने का दिल करता तो आप साइकिल चला सकते हो। पर बाकी ये कि चलो वैसे ये चीज़ थोड़ी दिल कर रहा था मैं कि अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ एक नया कंसेप्ट है, तो ये कुछ और भी मेट्रो सिटीज़ में इस तरह का इन्होंने कंसेप्ट चलाया हुआ है, तो थोड़ा सा है कि पॉल्यूशन को थोड़ा सा इससे कुछ पॉइंट्स में तो फ़र्क पड़ेगा ही। एक चलो इसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ को भी हम पॉजिटिव लेके चले ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से और ये बढ़िया रहा। अब आगे की मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और आगे भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर आपको दिखाता हूँ, आइए बने रहिए वीडियो में। तो फिर सीधा कैसा गया पेपर तुम्हारा आज का? पेपर तो बढ़िया गया, सोशल स्टडीज था ना आज का SSP, हाँ। अब इसके बाद पेपर कब है दोबारा? फ्राइडे नेक्स्ट, 6 दिन के बीच में छुट्टी है, तभी तो आज घूम के आ गया इतना। वाह जी वाह, ये क्या सिस्टम हुआ स्कूल का, 6-6 दिन का गया बीच में डाला, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा? हाँ। अच्छा ये तुम्हारे यहाँ सीट लगी है ना, अच्छा यहाँ से 25 को, 25 से फिर 3 को, फिर 7 को, फिर 10, बहुत ज्यादा लंबा गैप डाला हुआ है। नहीं चलो, तो ये अभी टाइम क्या हो गया 7:30 दोपहर के बाद, में काफी ज्यादा मतलब बिजी हो गया था चंडीगढ़ में, कॉल्स वगैरह थी काफी ज्यादा आज, तो इस वजह से फिर मैं इसको कंटिन्यू कर पाया था ब्लॉग को। तो होप करता हूँ आज का आपको जितना मैंने कवर किया है आपको अच्छा लगा होगा वो, और इसके अलावा भी जस्ट मैं जस्ट पहुँचा ही अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अभी जस्ट चाय वगैरह पी के उसके बाद सिदक आया था बाहर से, तो सिदक से जरा उसका पूछा कि हमने संग कैसा रहा। तो फिलहाल जो है आज का फिर ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये वाला ब्लॉग आज का, तो आज के ब्लॉग को यहाँ पर हम एंड देते हैं, और होप करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक का बटन जरूर आप दबाएँ, और जो भी सब्सक्राइबर नए जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमारे सब्सक्राइबर बने, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर आप दबाएं। तो हमारे ब्लॉग्स को आप लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर एक नए ब्लॉग में नई शुरुआत करते हैं। ओके बाय गाइस।